बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, अल्लाह ने कितना मोहतरम बनाया है और कितनी इसकी हुर्मत रखी है। अल्लाह की कसम है, ये इस्लाम का बहुत बड़ा पहलू है जिसे कोई बयान नहीं करता। इस्लाम में आज अगर आप देखें तो आपको हर तरफ ऐसी खौफनाक खबरें मिलती हैं। कोई एक इंसान अपने आप को धमाके से उड़ा देता है और सैकड़ों इंसानों की जान लेता है, 20 इंसानों की जान ले लेता है। कभी आप देखते हैं कि किसी इंसान को किसी कुएं में डाल दिया जाता है, कभी आप देखते हैं कि किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी के साथ, उस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, ईंटों से उसे मारा जाता है और उसको उसका चेहरा मसख किया जाता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी काफिर का भी चेहरा मसख करने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि चेहरे पर मारने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन ये मुसलमान हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये अपने आप को जन्नत का ठेकेदार भी समझते हैं और उसके बाद वो कत्ले नहक करते हैं और इसके ऊपर कोई बोलता भी नहीं है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे कयामत हर जाम हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह हर से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अंदाजा ही नहीं कि इंसानी जान कितनी कीमती अल्लाह पाक ने बनाई है, हमें बताया ही नहीं गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं मिन अजल अजल ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, हमने ये बनी इसराइल को लिख कर दे दिया था कि जिसने बगैर हक के, ये अल्लाह पाक ने इंसानी जान की बहुत अहमियत की है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हक के साथ उस जान को कत्ल करना जायज है। उसकी वजह यह है कि जब दुनिया से कानून उठ जाएगा, लाकानूनियत होगी और जो किसी का कत्ल करेगा उसे नहीं मारा जाएगा, जिसका मरना हक है उसे अगर नहीं मारा जाएगा तो फिर कत्लेआम बढ़ेगा और दुनिया के अंदर बढ़ इसलिए रहा है कि आज दुनिया के अंदर कवानीन खत्म हो गए। अल्लाह ताला के कवानीन दो टोक हैं और दुनिया के अंदर ऐसे कवानीन कोई नहीं बना सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को लिख दिया, जो किसी नाहक इंसान को कत्ल करेगा, फरमाया फकानमा कतल नास जमीआ, वो ऐसे है कि उसने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को कत्ल किया, सब लोगों को उसने कत्ल किया है। और फरमाया ये मुसलमान की बात नहीं हो रही, ये मुसलमान की बात नहीं हो रही। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने किसी इंसान को बचाया है नफ्सन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं फकानमा कतल नास जमीआ वमन अहयाहा, और जिसने किसी इंसान की जान को बचाया। याद रखिएगा कि ये कोई इस्लाम नहीं है कि किसी जिम्मे को जो मुसलमानों के मुल्क में रहता हो उसे कत्ल कर दिया जाए कोई भी बहाना बना के, ये इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी जिम्मे को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहयाह फकानमा अहयार अहयान नास जमीआ। कुरान मजीद सूरह मायदा आयत नंबर 32 अल्लाह फरमाते हैं जिसने एक जान को बचाया है, कोई गुलाम आजाद की बात नहीं है, मुसलमान की बात नहीं है, गैर मुस्लिम की बात नहीं है, किसी काले गोरे की बात नहीं, ये इस्लाम ने दिया है निजाम। अल्लाह फरमाते हैं वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात सुम्मा इन्न कसीरन मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्ज़ लमुसरिफीन। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों के पास हमारे रसूल खुली हिदायत लेकर आए, मगर उसके बाद भी उनमें से बहुत ऐसे हैं जो जमीन में हद से तजावुज कर जाते हैं। तो इस्लाम का ये निजाम है कि इस्लाम ने इंसान को बड़ी अहमियत दी है। कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वाला, जो मोमिन लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो मुसलमान हैं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले लोग,
उनकी सिफात बयान करते हुए रब्बे कायनात फरमाते हैं वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक, फरमाया वो किसी जान को कतल नहीं करते मगर हक के साथ। ये याद रखिएगा अल्लाह ताला ने इंसानी जान की जितनी भी अहमियत बयान की है उसके बावजूद अल्लाह पाक ने फरमाया कि वला यक्तुलून नफ्स, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो जान को कतल नहीं करते, ये नहीं फरमाया, क्योंकि अगर आप इंसानी जान को कतल नहीं करेंगे तो जालिम जो कतल करेगा उसको भी सजा नहीं दी जाएगी। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी सिफत ये वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक, मगर वो ना हक किसी को कत्ल नहीं करते, अल्लाह ने जिसकी हुरमत रखी है उस हुरमत को पामाल नहीं करते, इल्ला बिल हक, मतलब जहां हक हो वहां कत्ल करना लाजिम है। यहां तो यही बात, तो इसी वजह से तो हर कोई दिलेर बना फिरता है ना कत्ल करने के बाद, किसी कातिल को कत्ल नहीं किया जाता उसके बदले में। आज दुनिया के अंदर कहते हैं कॉर्पोरल जो है पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लोगों को कत्ल ना करें, सब लोगों को इस्लाम का निजाम दुनिया का बेहतरीन निजाम है। आप एक दफा जरा लोगों के सामने आके किसी कातिल को एक चौक पर एक चौराहे पर लटका कर उसे कत्ल कर दें या उसकी गर्दन उड़ा दें, फिर देखता हूं मैं कि किस तरह से लोग दिलेरी से हर बंदा पिस्टल निकाल के इंसानी जान को जाया कर देता है, कोई जुर्म नहीं करेगा इस बात की। अल्लाह फरमाते हैं वला यज़नून, वो जिना नहीं करते, वो मैं यफ़ल ज़ालिका यल्का सामा, फरमाया जो ऐसा करेगा तो वो उस किए की सजा पाए। और एक और मुकाम पे भी अल्लाह फरमाते हैं कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैया वबिल वालिदैन इहसाना वला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और बहुत बड़ा फितना जो हमारे अंदर मौजूद है आजकल कि लोग अपने बच्चों को अबॉर्शन के जरिए से लोग बच्चे निकलवा देते हैं। क्या बच्चे पलते नहीं है? इन रिसोर्सेज पर तुम्हारा कब्जा है? ये मगरबी निजाम हमें सिखाता है कि जनाब रिसोर्सेज कम है, अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज पैदा किए तुम्हारे बाप के नहीं है, हर किसी का हक है वो इस दुनिया के अंदर सांस ले, अल्लाह ने उसके लिए रिज्क रखा है। अल्लाह फरमाते हैं कि अपने औलादों को कत्ल ना करो, नानो नर्सो को कुम वैया हो, हम तुम्हें भी रिज्क देते हैं और उनको भी रिज्क देंगे, ये रिज्क हमारे जिम्मे। अल्लाह फरमाते हैं वला तकरबुल फवाहिश, और फवाहिश के करीब ना जाना, बेहयाई के करीब, मा ज़ाहरा मिन्हा वमा बतन, और फरमाया कि बदकारी के करीब ना बढ़ो, खा वो छुपी हुई हूं या खुली बदकारी उनके करीब ना जाओ। ये सारी हुदूद है इस्लाम की जिनको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया, अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम को शामिल ही नहीं किया, और समझते हैं कि फिर जनाब हम हिदायत क्यों नहीं पाते, हमारे मुसलमान माशरे में सबसे ज्यादा बेईमानी क्यों होती है, क्योंकि सजाएं नहीं मिलती। जब तक इस्लाम के मुताबिक सजाएं नहीं मिलती लोग इसी तरह से बदकारी भी करेंगे, जिना भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे, और फिर जो होगा, जो ताकतवर इंसान होगा उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि ताकतवर हो चाहे कमजोर हो उसके लिए कानून बराबर होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक फातिमा नामी औरत ने जब बनू कुरैज़ा की चोरी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर यहां पर मेरी बेटी फातिमा बिनते मुहम्मद होती तो मैं उसका भी हाथ काटता। ये इस्लाम का निजाम कानून है, हमें सिर्फ नाम चाहिए इस्लाम का, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे का पता है, ना अल्लाह की किताब को हमने हाथ लगाया है और ना अल्लाह ताला के आइन की बात करते हैं। यार पाकिस्तान के अंदर किसी आइन की क्या जरूरत है जब कुरान मजीद हमारे पास आइन मौजूद है? कवानीन क्या इस्लाम ने नहीं दिए, शरीयत ने नहीं दिए कवानीन? जब तक हम इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते हम दुनिया के अंदर जलील और रुसवा होते रहेंगे।